A very good morning, children. I am Richa Seth, is going to teach you Hindi. And today's topic is वर्ण शब्द और वाक्य. बच्चों, पिछली कक्षा में आपने अक्षरों को पढ़ना लिखना सीखा. इन अक्षरों को हम वर्ण भी कह सकते हैं. तो आइए हम जानते हैं कि वर्ण क्या होते हैं. वर्ण, बच्चों, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं. बच्चों, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं. जैसे हम कहें हिरन, हिरन शब्द अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बना है. जैसे हा प्लस ई प्लस रा प्लस आ प्लस ना. इन अलग अलग ध्वनियों के हम और टुकड़े नहीं कर सकते, अतः इन ध्वनियों को हम वर्ण या अक्षर कहेंगे. बच्चों, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं. हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन. तो अब स्वर क्या होते हैं? स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती, उन्हें हम स्वर कहते हैं. हिंदी वर्णमाला में बच्चों 11 स्वर होते हैं. कितने स्वर होते हैं? 11. जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ए, ओ और ओ. अंग और आहा बच्चों स्वर में नहीं आते. अब दूसरा प्रकार है व्यंजन. व्यंजन, बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता से होता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं. हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं. जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, ड, ढ, णा, ता, थ, द, ध, ना, प, फ, ब, भ, म, या, र, ल, व, श, श, स, हा. ये सब व्यंजन हैं. इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, अर्थात कुल 44 वर्ण होते हैं. कुल कितने वर्ण होते हैं? 44. बच्चों, हिंदी वर्णमाला में कुछ और वर्ण भी होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं. हिंदी में इनकी संख्या 4 होती है. वो वर्ण कौन से हैं? वो वर्ण हैं छ, त्र, ग्या और श्र. बच्चों, ये तो बात हुई वर्णों की. अब हमारा अगला विषय आता है शब्द. तो बच्चों, ये शब्द क्या होते हैं? शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं. मतलब जब हम दो वर्णों को एक साथ जोड़ते हैं और उनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो उसे हम शब्द कहते हैं. जैसे गाय, गाय दो वर्णों गा प्लस या से मिलकर बना है, अर्थात दो वर्णों के मेल से बना गाय एक शब्द है. बच्चों, शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक. तो पहला सार्थक, सार्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है. मतलब उन शब्दों से हमें किसी ना किसी वस्तु, इंसान या चीज के बारे में पता चलता है. जैसे मंदिर, गुलाब, महल आदि. इन शब्दों का अपना एक अर्थ है, अर्थात ये सार्थक शब्द हैं. अब दूसरा आता है निरर्थक. जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं. जैसे नामा, लागू, लहम. बच्चों, इन शब्दों से हमें कुछ ज्ञात होता है? नहीं, अर्थात ये निरर्थक शब्द हैं. तो बच्चों, इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कि वर्ण और शब्द क्या होते हैं. धन्यवाद.